हाय एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं सिंगल साड़ी की ड्रेपिंग 3 अलग अलग स्टाइल्स में तो लेकर ही आई हूँ, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे अच्छे हैक्स भी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप बिगनर हो और साड़ी पहनने में प्रॉब्लम होती है तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं साड़ी की। तो अगर आपको ये सेम साड़ी परचेज करनी होगी तो इसके बारे में डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए, साड़ी जब भी हम लेते हैं ना, तो पहनने से पहले आप एक चीज़ देख लें कि आपका जो साड़ी का पल्लू वाला पार्ट है वो सीधा ऐसे रखते हुए आपके लेफ्ट हैंड के साइड पे होना चाहिए, और इसी तरीके से साड़ी का दूसरा एंड आपके राइट हैंड की तरफ चला जाएगा, और राइट हैंड की तरफ से हम स्टार्ट करते हैं साड़ी को टक करना। ये हमारा बेसिक एक राउंड लगता है साड़ी का। जब भी आप साड़ी पहनते हो तो ये बेसिक राउंड आपको ध्यान से पूरा करना होता है नीचे की तरफ लेंथ देखते हुए, वरना फिर हो सकता है चलते फिरते टाइम आप अपनी साड़ी में फंस कर गिर सकते हो। तो इसीलिए आप लेंथ अपने हिसाब से रख लीजिए। और अब जब आपकी बेसिक राउंड कंप्लीट हो जाती है तो साड़ी का जो हमने पल्लू लेफ्ट हैंड की तरफ किया था, अब उसकी बारी होती है यहाँ पर सेट करने की। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि साड़ी की कुछ भी ऐसी ट्रिक बताइए कि हम आराम से अपने प्लेट्स अरेंज कर पाएँ। तो ये वाली जो ट्रिक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ट्रिक मेरे ख्याल से बच्चे लोग भी जानते होंगे, क्योंकि बचपन में हम अपने अगर आपको याद होगा तो पेपर वाले फैंस हम बनाते थे, जिस तरीके से पेपर को फोल्ड करते हुए, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे साड़ी का एक कॉर्नर पकड़ना है और बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस देना है और इसको बस उसी तरीके से फोल्ड करना है। तो ऐसे ही फोल्ड करते करते आपको साड़ी की दूसरी बॉर्डर तक जाना है। मेक श्योर कि आपका जो बॉर्डर है दोनों साइड का, मीन्स ऊपर का और नीचे का जो बॉर्डर है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे होना चाहिए। और अब यहाँ पे एक एक करके मैं इन सभी प्लेट्स को अच्छी तरीके से अरेंज कर लूँगी। तो देखिए, एक तो हमारा ये तरीका हुआ। अब अगर आपको कोई दूसरा तरीका मैं सिखाऊं प्लेट्स अरेंज करने की, तो पहले तो आप अपनी साड़ी को अच्छी तरीके से झटक दीजिए ताकि वो बिल्कुल क्लीन हो जाए और कोई भी क्रीज लाइन उन पे ना रहे। तो अब आप एक बॉर्डर के पास अपने दो उंगलियां रख लीजिए, और दो उंगलियों के बीच में आप जितने डिस्टेंस रखोगे उतनी ही चौड़ाई से आपकी प्लेट्स बनेगी। तो आप अपनी उंगलियों को अपने हिसाब से ही रख सकते हो, सेट कर सकते हो बॉर्डर के ऊपर, और बस दूसरे हाथ में आप बची हुई साड़ी को पकड़ लीजिए और जिग जैग उसको मूव कीजिए। यहाँ पे अगर आपकी लास्ट वाली जो प्लेट है वो अगर पतली हो रही है या ज़्यादा चौड़ी हो रही है तो आप उसको एडजस्ट कर दीजिए लास्ट की सेकेंड वाली प्लेट के साथ, और फिर सभी प्लेटों को आप फिर से अरेंज कर लीजिए। तो पल्लू सेट करने के अभी अभी जो मैंने आपको दो ट्रिक्स बताए हैं, ये दोनों ही ट्रिक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ईजी हैं। तो अगर आपको प्लेट्स बिल्कुल भी नहीं आती बनानी तो ये तरीका आप ज़रूर यूज़ कीजिए, हर एक तरीके की फैब्रिक में ये काम करेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको कैसे हम दूर तक इसी तरीके से प्लेट्स रखते हुए पकड़ें। तो देखिए, आपको थोड़ा सा अपने थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे इनको पकड़ना होगा, और अगर आप आयरन करना चाहो तो आयरन कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो आप अपने पैर का सहारा ले सकते हो और बस जैसे अभी आपने देखा ठीक उसी तरीके से आप इनको परफेक्टली क्रीज में अच्छे से सेट कर सकते हो। तो मेरे लिए यही ट्रिक काफ़ी ज़्यादा इजी लगती है, इसलिए इस तरीके की साड़ियाँ मैं इसी तरीके से ही सेट करना ज़्यादा आसान समझती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अब इसको सेट कर लिया है। अब बारी आती है कि पीछे की तरफ पल्लू की लेंथ कितनी रखें। तो अगर आपको लंबी दिखना है साड़ी में और आपकी हाइट कम है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप घुटने से नीचे तक ही अपनी पल्लू को रखिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक पिन लगा देती हूँ जहाँ पे ये कंधे के पास मेरा हिस्सा जा रहा था, और अब इसको घुमाते हुए मैं अपने शोल्डर तक ले जाऊँगी।
तो बस ये पिन जहाँ तक पहुँच रही थी, अब इसकी बारी आ गई है मेरे ब्लाउज़ के साथ इसको सेट करके अच्छे से सिक्योर करने की। तो ब्लाउज़ में जब भी आप पिन लगाते हो, कोशिश कीजिए कि वो एग्जैक्टली आपके शोल्डर पे ना लगकर शोल्डर से थोड़ा सा पीछे की तरफ ही आप लगाइए। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं ना कि इसी तरीके से छोड़कर कंधे की पिन सोचते हैं कि अब तो लग गई, अब आगे की स्टेप में आगे बढ़ते हैं। बट मेरी बात आप मानिए, ये चीज़ आप एक बार करके देखिए, आप अपने आगे की थोड़ी सी साड़ी की लेंथ को प्लेट्स में वैसे ही सेट कीजिए और अपने हाथों से प्रेस कीजिए। अब जो आपका ठीक आपके चेस्ट के पास वाला जो बॉर्डर है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए, और यहाँ पे आपको दो प्लेट्स लेने होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दो प्लेट्स को साथ में ऐसे फोल्ड करती हुई, इनको साथ में लेते हुए, तो यहाँ पे मैं इसको ना शोल्डर पे ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं उठा रही हूँ, ये थोड़ा सा नीचे ही है, और ठीक यहीं पे मैं एक छोटी सी सेफ्टी पिन के साथ इसको सिक्योर कर दूँगी। तो अब ये वाला जो ट्रिक है, ये उन लोगों के लिए है जिनका अपर पार्ट जो है या जिनकी जो शोल्डर है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। तो आप इस तरीके से साड़ी पहनकर देखें, आपकी जो चौड़ी शोल्डर है वो ऐसे लुक में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और अब जो हमारा बॉर्डर है, इसको बस अच्छी तरीके से पीछे की साइड से घुमाकर आप अपने कमर के पास ले आइए। जो भी प्लेट्स बनती हैं, आप अपने अनुमान के तौर पर इनको सेट कर लीजिए और इसको ऐसे ले आइए। चलिए अब ये जो कमर वाला पार्ट है ना, हम इसको ज़्यादा ट्रिकी नहीं बनाएंगे। ये जो बॉर्डर है, इसको बस टाइट ऐसे करते हुए यहाँ पे एक छोटी सी सेफ्टी पिन हम लगाकर छोड़ देंगे। तो ये पिन सिर्फ इसीलिए है ताकि जो बस्ट के पास हमने बॉर्डर सेट किया है वो वापस से लूज ना हो जाए। अब हम सामने के प्लेट्स को सेट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले तो हमारा फोकस सिर्फ यहाँ पे प्लेट्स बनाने में होगा, बाद में हम इस बनी हुई प्लेट्स को कैसे सेट करेंगे वो भी सीख लेंगे। बट पहले तो आप यहाँ पे मेरी उंगलियाँ देख सकते हो, जिसमें तीन उंगलियाँ मेरी पीछे की तरफ है और बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़ते हुए आगे की तरफ मैंने दो उंगलियाँ बढ़ा रखी है। अब इन्हीं उंगलियों में फंसाते हुए मैं यहाँ पे प्लेट्स बना रही हूँ। तो अगर आपको प्लेट्स बनाना आता है तो आप ये पोर्शन स्किप कर सकते हो, नहीं आता है तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो। लास्ट वाली जब हम प्लेट बनाते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस आपको छोड़ना है। तो अभी आप नीचे की तरफ ध्यान ना दें, यहाँ पे आपको देखना है कि राइट वाली जो फर्स्ट प्लेट है उसको अच्छे से सेट करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कपड़ा ऐड करते हुए इस प्लेट को ज़्यादा चौड़ा कर देंगे, क्योंकि राइट की जो फर्स्ट प्लेट होती है ना, उसे घूम कर हमें शेप भी देना पड़ता है और सभी प्लेटों के साथ इनको एडजस्ट भी होना पड़ता है। तो इसीलिए हमें इसको अच्छे से सेट करना होता है। और अब सभी प्लेटों के बीच में एक समान डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पे हम एक पिन यूज़ कर लेंगे। अब नीचे की तरफ जो प्लेट्स हमारी नहीं दिख रही थी, इनको सेट करने के लिए पहले तो हम सभी प्लेटों को बाहर की तरफ निकालेंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया था एक समान डिस्टेंस, उसको भी मेंटेन करते हुए रखना है आपको। और लीजिए हमारी प्लेट्स ऊपर से नीचे तक हो गई सेट। अब इन सभी प्लेट्स को हम घुमा लेंगे अपनी लेफ्ट हैंड के साइड पे, और नीचे की तरफ लेंथ देखते हुए हम अपनी ठीक बेली बटन के पास इनको टक इन कर देंगे। राइट की जो फर्स्ट प्लेट की ऊपर वाली सिर्फ लेयर है, उसको मैंने बाहर की तरफ निकाला हुआ है, और अब ये जो थोड़ा सा कपड़ा मैंने छोड़ रखा था, इसको हम नीचे की तरफ से प्लेट्स की नीचे की तरफ से ले जाते हुए राइट की तरफ बाहर निकालेंगे, और यहाँ पे हम छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे कमर के पास। तो देखिए ये जो तरीका है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे कमर के पास एक परफेक्ट शेप भी आ जाती है, और ये वाला एरिया हमारा ज़्यादा टाइट भी नहीं होता है। एक और तरीका है जिसमें कि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा कपड़े को खींच देते हैं और जिसकी वजह से उनका हिप एरिया काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसे अगर आप सेट करोगे कमर वाले पोर्शन को, तो आपका कमर का शेप भी परफेक्ट रहेगा और
ये एरिया ज़्यादा टाइट भी नहीं होगी। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे बचेगा आपको उसको एडजस्ट कर देना है। और लीजिए, हमारी जो ड्रेपिंग है वो कंप्लीट हो गई है। जो भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। सो आई होप ये वाली लुक आपको पसंद आएगी और आप इसको अपनी डेली बेसिस पे भी पहन सकते हो, या फिर अगर आपको कोई सी भी फंक्शन ओकेजन्स पे ट्राई करना है तो आप उसमें भी इसको पहन सकते हो। चलिए, अब अगर इसी साड़ी को मैं आपको दूसरी स्टाइल में पहनना सिखाऊं तो आप अपनी फ्रंट के प्लेट्स तक इसको कंप्लीट करके रखिए, केवल आपका जो ऊपर वाला पल्लू पार्ट होगा वो यहाँ पे चेंज होगा। इसे हमें पीछे की तरफ से घुमाकर ठीक राइट साइड की शोल्डर पे रखना है और पल्ला आपका सामने की तरफ रहेगा। लेफ्ट की साइड पे जो आप देख रहे हो वाटरफॉल वाले प्लेट्स, उसमें आपको डिस्टेंस रखना है एक हाथ का। अगर ये डिस्टेंस नहीं हो रही है तो हम यहाँ पे सामने में जो हमने प्लेट्स बनाकर पिनअप किया था उसमें से थोड़ा सा लेंथ हम निकाल देंगे बाहर की तरफ, ताकि साइड में हमें जितनी यहाँ पे लेंथ चाहिए वो हमें मिल सके। अब इसके बाद हम अपने शोल्डर पिन को यहाँ पे लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जो चेस्ट से जस्ट सटी हुई हमारी जो पतली वाली बॉर्डर है इसको ऊपर की तरफ उठाते हुए हम एक सिंगल प्लेट बनाएंगे। इसमें हमें दो प्लेट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल प्लेट को ही हमें ऊपर की तरफ उठाते हुए छोटी सी सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। अब हम अपनी पूरी की पूरी प्लेट्स, ये पीछे वाली जो गई हुई प्लेट्स है उसके अंदर की तरफ ऐसे इन करेंगे और ऊपर वाले बॉर्डर को पीछे की साइड से घुमाते हुए हम अपनी दूसरी साइड की कमर के पास लेकर आएंगे। जब यहाँ पे आपकी ये वाली प्लेट घूम रही होती है तो ध्यान रहे कि पीछे की साइड पे आपका जो लुक है वो प्रॉपर दिखे, उसके लिए प्लेट्स आपकी सही से होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं केवल और केवल अपने प्लेट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और अब यहाँ पे आप छोटे छोटे से प्लेट्स उठा लीजिए ताकि कमर के पास एक अच्छी सी लुक आ जाए। और यहाँ पे आप एक कोई भी डिज़ाइनर, अगर आपके पास पिन की कलेक्शन है तो आप कोई सी भी डिज़ाइनर सेफ्टी पिन यूज़ कर लीजिए। और अब ऊपर वाली पोर्शन को थोड़ा सा अच्छी सी फिनिश देने के लिए मैं सेट कर ले रही हूँ। और लीजिए, हमारी सेकंड स्टाइल भी कंप्लीट है। तो ऐसी साड़ियों में आप ये वाली लुक भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और अब इसी के साथ हम चलते हैं लहंगा स्टाइल की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया, आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी लहंगा स्टाइल की। तो देखिए, मैंने पहले तो केनकेन स्कर्ट पहना है और ये केनकेन स्कर्ट लूप वाली है, लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं आपके लिए विदाउट लूप वाली 6 लेयर वाली केनकेन स्कर्ट की लिंक प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आपको लेना होगा तो आप ले सकते हो। अब हमें यहाँ पे अपनी साड़ी की प्लेट्स ठीक राइट साइड की तरफ ऐसे घुमाते हुए इनको हमें टक करना है और पूरी की पूरी एक राउंड कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे सामने की तरफ पल्लू को लाते हुए हम ठीक अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे डालेंगे। तो जब भी आप साड़ी से ड्रेप करने वाले हो लहंगा, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप इसको ज़्यादा लो वेस्ट करके ना पहने। लो वेस्ट में आपकी ये लुक बहुत ही ज़्यादा भद्दी लगेगी, तो आप कोशिश कीजिए कि हाई वेस्ट करके ही इसको आप ड्रेप करें। और क्योंकि हमें साड़ियों से ही नीचे वाली जो बॉटम लुक होता है हमारा उसको भी क्रिएट करना है, और साथ ही इसमें जो चुन्नी वाला या दुपट्टे वाला जो लुक रहता है हमें उसको भी क्रिएट करना होता है। तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 6 या 7 मीटर की जो साड़ी आती है आप उसको यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से जो पीछे की तरफ जाने वाला पल्ला होगा वो आपका थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो अब जब हमने इसको सेट किया है तो इससे बाहर निकलने वाली ये जो बॉर्डर है हमें इनको पीछे की तरफ घुमाकर केवल टक कर देना है।
अगर आपसे टक नहीं हो रही, आपको ऐसा लगता है कि टक किया हुआ पार्ट बार बार खुल सकता है, तो आप एक सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ये चौड़ी बेल्ट, जो कि इसके साथ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सो ये हो गई हमारी फाइनल लुक। सो आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो। मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।